मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में पहले ही एनआईए के द्वारा गिरफ्तार सचिन वजे को लेकर अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। सचिन वजे का कनेक्शन अब राज कुंद्रा के केस में भी सामने आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि राज कुंद्रा को, जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, उसको मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया है अश्लील वीडियोज को अपलोड करने के जुर्म में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी अभी जो अपडेट आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ऐसा पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इस केस में कई बड़े पॉलिटिशियन जरूर शामिल होंगे, इसीलिए ये काम बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से चल रहा था। और अभी अभी एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन वजे की वजह से जो राज कुंद्रा है उसकी गिरफ्तारी पिछले 5 महीने ऐसे नहीं हुई, मतलब कि 5 महीने पहले ही राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। इसके बारे में बहुत पहले ही खुलासा हो चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ सचिन वजे आज तक जो राज कुंद्रा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जब सचिन वजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया है और सचिन वजे इस टाइम जुडिशियल कस्टडी में तलोजा जेल में बंद है, उसके बाद अब वहां पर दूसरे लोग वर्क कर रहे हैं, तो फाइनली जो राज कुंद्रा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और राज कुंद्रा का जो काला चिट्ठा है वो पूरी तरह से क्राइम ब्रांच ने, मुंबई क्राइम ब्रांच ने खोल के रख दिया और तुरंत ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो भी मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक केस में यहां पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कोई नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है सचिन वजे। सचिन वजे का नाम हर एक केस से है, एंटीलिया केस में भी सचिन वजे, मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वजे, ये राज कुंद्रा वाला केस, ये तीसरा केस में भी सचिन वजे का नाम अब सामने आ रहा है। और साथ में ही आपको बता दूं कि जो अनिल देशमुख के वसूली कांड में है उसमें भी सचिन वजे का नाम शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सचिन वजे नाम का व्यक्ति हर एक केस में, यानी कि चाहे वो छोटा केस हो, चाहे बड़ा केस हो, चाहे जितना बड़ा जुर्म हो, चाहे छोटा हो, सारे के सारे जुर्म में सचिन वजे का ना इन्वॉल्वमेंट जो है कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है। अब अभी अभी तुरंत इसमें इस केस में दावा किया जा रहा है कि सचिन वजे ही एक मेन रीजन है, जिसकी वजह से, क्योंकि सचिन वजे क्राइम ब्रांच में ही था, तो इसी की वजह से 5 महीने डिले हुआ है राज कुंद्रा की गिरफ्तारी में। और अब फाइनली जब सचिन वजे क्राइम ब्रांच में नहीं है तब जाके राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो पाई है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।